वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये जो मैंने ब्लाउज पहना हुआ है या ये लेस कैसे लगाई। लेस अलग से खरीद के मैंने लगाई है नेक पे एंड आर्मोल्स पे और बैक पे, बैक गले पे भी लगाई हुई है। बैकलेस है, डीप गोल गला है, पीछे हुक लगाया हुआ है। इस टाइप के ब्लाउज की रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, तो ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। पूरा फाइनल लुक मुझे आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। और भी आप लोग का कोई डिमांड हो और भी कोई ड्रेस सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। और हाँ, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती रहती हूँ, तो अगर आप मेरी ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर लिया हुआ है, येलो कलर का ब्लाउज बनाना है तो येलो कलर का अस्तर लिया। इसका कपड़ा बहुत ही पतला था, एकदम दुपट्टा वाला कपड़ा था, तो बहुत ही थोड़ा सिलने में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर सड़क सकते हैं। तो पहले ये कपड़े को दो लेयर्स हैं, फिर इसको इनकी मैं चार लेयर्स में इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। एकदम बराबर फोल्ड करेंगे क्योंकि मैं आगे वाले पल्ले में भी और पीछे वाले पल्ले में भी सिर्फ दो ही टेकिंग लगाती हूँ, दो दो टेकिंग। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी हुई है, देख सकते हैं। ओके, तो 16 इंच लंबाई रखी हुई है और अभी मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने के लिए बहुत ही ईजी तरीका बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका छाती का साइज होता है वो आप यहाँ पे ले लोगे। तो मेरी फिटिंग 8 इंच है तो मैं यहाँ पे 8 इंच ले ले रही, मतलब 32 का जो चौथाई हिस्सा होगा, जितना भी आपका साइज होगा उसका चौथाई हिस्सा लोगे उतना आपको यहाँ पे लगाना है। और शोल्डर मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, कंधा 5 इंच लेना है, 5.5 इंच लिया हुआ है, सॉरी। ओके, तो 5.5 इंच कंधा ले लिया है। उसके बाद से 5.5 इंच ही मैं आर्म होल्स की लंबाई ले लूँगी। ओके, तो 5.5 इंच आर्म होल्स की लंबाई ले ली। बहुत ही आराम से समझा रही हूँ ताकि वीडियो स्पीड करने पे आप लोगों को समझ में नहीं आती है इसलिए। और 1.5 इंच पे मैं आर्म होल्स की गोलाई दे दूँगी। ओके, तो ये तो पूरा निशान हमारा लग गया। अभी हम लोग यहाँ से 1.5 इंच का और निशान लगाएंगे। ये इसलिए कि हम लोग इसको कटिंग करेंगे, वो हमारा फिटिंग था उसको कटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको हम लोग को कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। ओके, फिटिंग वाला नहीं कट करना है, जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको कट करना है। तो ये कट हो गया। अभी हम लोग शोल्डर को अलग अलग कर देंगे, दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद से दोनों पल्लों को अलग करेंगे और गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली गोल गला लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ डिजाइंस नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल गोल गला। पीछे हुक वाला ब्लाउज है ये, तो यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच। ओके, 2.5 इंच चौड़ाई ली है, लंबाई लूँगी मैं यहाँ पे 5 इंच आगे के गले की। आगे का गला छोटा ही अच्छा लगता है, आगे का गला ज़्यादा बड़ा ना करें, छोटे में ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है। और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, इससे आपकी गोलाई परफेक्ट आती है। ओके, इस तरीके से आप गोलाई लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और इसको मैं कट कर ले रही हूँ। अब पीछे वाले पल्ले में गले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा था, इस तरीके से आप कट करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट गला कट होगा आपका। तो ये कट कर लिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं पीछे वाले पल्ले में गोलाई का निशान लगाऊंगी। गोल गला ही है पीछे का, बट डीप होगा। तो 2.5 इंच ऊपर से ले लेना है चौड़ाई, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। लंबाई मैं 10-11 इंच पे लूँगी। ओके, आप 12 भी ले सकते हो, आप जितना डीप करना चाहते हो उतना आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया है। इस तरीके से आप बैकलेस ब्लाउज बना सकते हो। तो ऊपर आपका 2.5 था तो नीचे आपका 3.5 इंच होना चाहिए, इसी से आपकी परफेक्ट गोलाई आती है। अगर आप नीचे ऊपर भी 2.5 लिए हो नीचे भी 2.5 लोगे तो आपका गला पतला सा दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप ऊपर गले की चौड़ाई जितनी लेते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे वाली लीजिए तो आपकी परफेक्ट गोलाई आएगी। तो ये जो कपड़ा है इसका लेस मैं निकाल लूँगी क्योंकि लेस मैं नीचे लगाऊँगी जो कमर वाली फ़िटिंग होती है हमारी वहाँ पे। तो लेस को उधेड़ लेते हैं। बिल्कुल पतला कपड़ा है दुपट्टे वाला, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे नहीं तो हमारा कपड़ा फट जाएगा।
तो इस लेस को मैंने निकाल लिया। फिर कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख देंगे और जो हमने अस्तर कट किया था उसको इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। अच्छे से इसको कपड़े को सेट कर लेंगे और कटिंग करते टाइम भी ध्यान देना है कि कपड़ा आपका सरक ना जाए। तो इस तरीके से मैं इसको रख लूँगी अस्तर को कपड़े के ऊपर और कट कर देंगे सिंपली। मैंने पीछे वाले गले की कटिंग नहीं की थी, मैं अस्तर के साथ साथ कट करूँगी। इससे क्या होगा कि अस्तर और कपड़ा सेम कट जाएगा और दिक्कत नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा बिल्कुल भी इसलिए। तो अभी मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, पूरा ओरिजिनल वीडियो है, जैसा लिया है सब कुछ इसमें डाल दिया है, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो इस तरीके से कट कर लेना। मैंने देखा आपने उस साइड मैंने हाथ रखा हुआ है, इससे क्या होगा कि आपका दुपट्टे वाला कपड़ा हटेगा नहीं और कपड़ा सरकेगा नहीं, कटिंग अच्छे से हो जाएगी। तो आप जब भी कटिंग करते हो तो कपड़े के ऊपर हाथ रख लो इस तरीके से। और अभी गले की कटिंग करेंगे, तो पीछे वाला गला और कपड़ा दोनों साथ साथ में कटिंग करेंगे। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसको भी इस टाइप का ब्लाउज सिलना हो उसको हेल्प मिल जाए। अभी हम लोग दोनों पल्लों के शोल्डर को अलग कर लेंगे। तो ये आगे वाला पल्ला हो गया, ये पीछे वाला पल्ला हो गया। इसके बराबर पीछे हम लोग को हुक लगाना है, तो पीछे का जो साइज है इसके बराबर ही हमको यहाँ से कपड़े को कट कर लेना है। ये इसलिए है कि कज पट्टी और बटन पट्टी हम लोग को यहाँ पे लगानी है, इसलिए किस तरीके से लगानी है वो मैं सिलाई के टाइम पे दिखा दूँगी। इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग गले के लिए और आर्मोल्स के लिए पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ से टेकिंग लगाने के लिए 3 इंच साइड से और ऊपर से 10 इंच लेके, ये देखिए 10 इंच मैंने यहाँ से लिया हुआ है और टेकिन इस तरीके से लगाते हैं। तो दोनों साइड में सेम इसी तरीके से आप लगा दोगे टेकिन। आगे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरीके से मुझे टेकिन लगाना है। तो चलिए आगे वाले में भी लगा के ही दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया है और ऊपर से 10 इंच, ओके। और इसको दोनों टेकिन को इस तरीके से लगा लेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को टेकिन लगाना समझ में आ गया होगा। सिंपल ब्लाउज के टेकिन की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पट्टी कट करेंगे आर्महोल्स के लिए और गले की पाइपिंग के लिए। गले में पाइपिंग कैसे लगाते हैं अगर वो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझा दूँगी। तो ये मैंने गले के लिए कट कर लिया और ये जो बच्चा है वो आर्महोल्स के लिए कट कर लिया। कैसे लगानी है वो देख लीजिए। आर्महोल्स की पट्टी के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कटिंग कंप्लीट होगी, अभी चलते हैं स्टिचिंग करने। तो अस्तर को और कपड़े को दोनों को एक साथ इस तरीके से रख के और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पकड़ के इस तरीके से सिल लेंगे। और जो गला है ये देखिए, इस कपड़ों को अच्छे से अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना पतला कपड़ा है, सरक ना जाए इसलिए इस तरीके से सिल के और इस तरीके से पलट लेना है। तो चलिए सिल के मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने सिल के कपड़े को पलट लिया है और अभी गले के पास सिलाई चला लेंगे क्योंकि कपड़ा मुड़ जा रहा है बहुत। गले पे आर्महोल्स पे सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए गले पे और आर्महोल्स पे मैंने सिलाई चला ली है ताकि कपड़ा एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी कपड़े सिलाई में दिक्कत ना दिखे, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। इसी तरीके से आपको पीछे वाले पल्ले को करना है। अभी हम लोग इसमें टेकिंग लगाएंगे, दोनों टेकिंग को सिल लेंगे इस तरीके से पकड़ के, ओके। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और तिरछा सिलाई चलानी है। कैसे चलानी है वो मैं सिल के आपको दिखा देती हूँ, ओके। यहाँ से इस तरीके से तिरछा लेके जाना है सिलाई टेकिंग का। तो चलिए दोनों टेकिंग को इसी तरीके से आपको सिल लेना है। तो लगा दिए, देखिए मैंने टेकिंग यहाँ पे सिल लिया। देखिए किस तरीके से सिलाई चलाई, नीचे से चौड़ा है और ऊपर एकदम पतला सा सिलाई जाना चाहिए। तो चलते हैं दूसरे वाले पल्ले को भी इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो ये पीछे वाला पल्ला भी हमने रेडी कर लिया यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने आगे का पल्ला रेडी किया था। आर्महोल्स पे, गले पे, सब पे सिलाई चला दी है ताकि कपड़ा सरक ना जाए। अभी इसको बीच से कट कर लेंगे पीछे वाले पल्ले को और उसके बाद से कज पट्टी और बटन पट्टी लगा देंगे। तो बीच से इसको कट करके और पट्टी लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है और कैसे ये कपड़े को और अस्तर को दोनों को लेंगे और साथ में इस तरीके से सिलेंगे इसको यहाँ से।
इस तरीके से सिलेंगे और इस तरीके से पलट देंगे ऊपर की तरफ। तो चलिए सिल के दिखा देती हूँ कि कैसा। देखिए इस तरीके से सिल लेना है। ओके, पहले ऊपर से सिलना है, नीचे से सिल के ऊपर की तरफ ला के सिलाई कर देनी है। फिर दूसरे वाले पल्ले में भी जो हमने कट किया था पीछे वाले पल्ले में ही, उस साइड तो हमने जो कज के लिए बनाया था उसमें अस्तर और कपड़ा दोनों लगाया था, बट इसमें सिर्फ अस्तर लगाना है आपको। ओके, यहाँ से सिलेंगे, पलटेंगे और सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों हमने सिल लिया है इस तरीके से। अभी दोनों का शोल्डर जॉइंट करेंगे, आगे वाले पल्ले और पीछे वाले पल्ले का, यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है और ऐसे सिलाई करेंगे। जो हमारा आर्म होल्स का साइड है वहाँ से कम लेना है, जैसे गले के साइड से आपको 1 इंच और आर्म होल के साइड से 1/2 इंच लेके इस तरीके से तिरछी सिलाई चला लेनी है। इससे आपका कंधा नहीं गिरेगा और सिलाई बहुत फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरीके से सिल लेना है, दोनों कंधों को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसमें पट्टी। पट्टी लगाने के लिए कप इस तरीके से जो हमने पट्टी कट की थी उसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से पूरा इस तरीके से सिल लेंगे। तो देखिए किस तरह इस तरीके से पूरा जॉइंट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको पूरा सिल लेना है। आर्म होल्स में भी सेम इसी तरीके से आपको पट्टी लगानी है। आर्म होल्स में भी जैसे हमने गले पे लगाई है वैसे आर्म होल्स में भी पट्टी लगा लेनी है और अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल लेना है इस तरीके से। तो चलिए आर्म होल्स में भी लगा के और दिखाती हूँ। इस तरीके से फोल्ड करना है। कैमरा भी खुद मैंने हैंडल किया है, एक हाथ से बता रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ डोंट माइंड, एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे करके आपको सिलाई चला देनी है इसके ऊपर। तो आर्म होल्स में भी सेम इसी तरीके से आपको पट्टी लगानी है और सिलाई चला लेनी है। तो ये मोड़ के मैंने इस तरीके से सिलाई चला लिया है। अब जो आपकी फिटिंग है उस हिसाब से आप निशान लगा के उस पर सिलाई चला लो। ओके, तो आर्म होल्स में और गले में इस तरीके से पट्टी लगा लिया हमने और फिटिंग करके ऊपर गले पे और आर्म होल्स पे इस तरीके से लेस लगा लीजिए। तो आपके ब्लाउज का लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आई। देखिए मैंने गले पे और आर्म होल्स पे लेस लगा दी और जो ब्लाउज में लेस दिया था वो मैंने कमर पे लगाई हुई है। तो एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको ताकि फाइनल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इस तरीके से लेस लगाया हुआ है कमर पे और गले का भी अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे शायद मैंने लेस वाली वीडियो नहीं ली है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेस को आप लगा ही सकते हो। गोल गला है तो आप पतले वाले लेस का को चुनिएगा, उससे आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। अगर आप चौड़ा लेस लोगे तो आपके गोल गले पे वो अच्छे से आ नहीं पाएगा, तो पतला लेस लीजिएगा अगर गोल गला है तो। ओके, कैसी लगी आप लोग को मेरे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, और ब्लाउज कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के साथ जोड़ दीजिएगा ताकि जितने भी गर्ल्स वुमेन हैं उनको हेल्प मिल पाए मेरा वीडियो देख के। मेरे चैनल पर आपको ब्यूटी पार्लर से रिलेटिव और ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटिव वीडियोज मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय, धन्यवाद गाइस।